पप्पू और पापा। मेरा प्यारा प्यारा बेटा क्या कर रहा है, सोया नहीं? मेरा वेट कर रहा था मेरा बेटा, क्यों? लेकिन 800 से लेकर 1000 बैक्टीरियास को मार दिया और मेरे दांतों के अंदर प्लाक भी नहीं है। देखिए मेरे दांत वाइट हो गए। अब मैंने टीथ ब्रश कर लिए। अब आप भी, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप भी अपना वादा पूरा करें। आपने अपना वादा पूरा किया, आपने टीथ ब्रश किए, आपने 800 से 1000 बैक्टीरियास को मार दिया पेप्सोडेंट से, ये कह रहे हो? अब मैं अपना वादा कौन सा पूरा करूँ? कहानी सुनाओ। सुनानी पड़ेगी इसको, यूं रखना है आपको? यूं रखना, चलो यूं रख लो, चलो कहानी सुनोगे? चलो कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको बेटा। जो आज की कहानी है ना, उसके नहीं, इसको यूं रखेंगे, इसको पापा भी इसके साथ खेलेंगे ना, इसके साथ ये यूं करेंगे, ये हमारे साथ बैठे कहानी सुनेगा। वो तो यूं ही मेरी तरफ, वो ऐसे ही गंदा सा। अच्छा चलो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको आज कहानी सुना रहा हूँ जिसका नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड। ठीक है, एक गांव था, उसमें एक बहुत प्यारी बच्ची थी। ठीक है, उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया। उसको सारे गांव वाले बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो इतनी प्यारी बच्ची थी। तो एक दिन उसकी दादी ने ना उसको एक रेड कलर का ना हुड वाला अपर बना के दिया, जैसे आपके पास वो हुड वाला अपर है ना, वो उस तरह का उसने अपर बना के दिया। वो रेड कलर का था, वो बच्ची को इतना प्यारा लगता था, वो उतारती नहीं थी, जहाँ पे भी जाती थी वो वाला अपना ना अपर पहन के जाती थी। तो उसका नाम पड़ गया लिटिल रेड राइडिंग हुड, और उसकी दादी उससे प्यार भी बहुत करती थी। तो एक दिन ना उसकी दादी बीमार हो गई। ठीक है, जब उसकी दादी बीमार हो गई तो उसकी मामा ने उसको बोला, लिटिल रेड राइडिंग हुड बेटा मेरा एक काम करोगी? तो वो कहती है, जी मामा मैं आपका आपके सारे काम करूँगी, आप मुझे बोलो। तो फिर वो कहती है, बेटा अब एक काम करो, ये खाना और ये जो है ना दूध, ये मैं आपको एक बास्केट में डाल के देती हूँ, ये आप अपनी दादों के पास ले जाओ और दादों को जाके ये आप खाना खिला के आ जाओ। दादू बीमार है ना, वो तो आपको उनकी खिदमत करना आपका फ़र्ज़ है। मैंने एक काम से जाना है एक जगह, तो मैं जा नहीं सकूँगी, तो आप एक काम करो दादों के पास चले जाओ, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो। बोलती है, जी मामा। बोलती है, आप जंगल, आपको पता ना दादों का घर जंगल में? बोलती है, हाँ मामा। बोलती है, आपने ना दादों के घर जाना है, इधर उधर आप कहीं भी नहीं जाओगे, अगर आप दादों के इधर उधर चले जाओगे आपको पता जंगली जानवर भी होते हैं, उधर भेड़िए भी होते हैं। बोलती है, ठीक है मामा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं सिर्फ दादों के घर जाऊँगी और वहाँ से दादों को खाना खिला के और उनको दवाई और दूध पिला के मैं जल्दी से घर आ जाऊँगी। उसकी मामा कहती है, ठीक है। बच्ची उसको मामा को खुदा हाफिज़ कहती है, तो कहती है, मामा मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। तो उसकी मामा कहती है, ठीक है बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ो अमन मान में लेके जाए दादों के घर ना। अब वो निकल जाती है जंगल में। अब वो जंगल से बाहर निकलती है, तो जंगल इतना प्यारा होता है, उसके घर के पास ही ना जंगल होता है, तो वो उसके अंदर से निकल के जा रही है, चलती चलती जा रही है। तो वहाँ से ना पीछे एक तो उधर एक भेड़िया उसको देखता है, बोलता है, ये कौन इतनी प्यारी सी बच्ची जा रही है, इसको तो मैं खा जाऊँगा करके। वो बोलता है, अच्छा। तो अब वो बच्ची के साथ चलने लग जाता है, बोलता है, लिटिल रेड राइडिंग हुड तुम कहाँ जा रही हो? तो लिटिल रेड राइडिंग हुड उसको बोलती है, मैं अपनी दादों के पास जा रही हूँ, मेरी दादो ना बीमार हो गई है। वो कहता है कि आप तो इतनी छोटी बच्ची हो, आपको अपनी दादों को घर कैसे मिलेगा, आपको अपनी दादों का घर पता है? बोलती है, हाँ, ये जो जंगल सीधा सीधा जा रहे हैं ना जंगल, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तीन दरख्त आएंगे, 1 2 3 दरख्त आएंगे ना, इन दरख्तों के साथ जो एक घर है ना वो मेरी दादों का है, और वहाँ पे तो आप भी उसको ढूंढ सकते हो, कोई भी ढूंढ सकता है, इसलिए उस जंगल में एक ही दरख्तों के पास घर है बड़ा। तो वो कहता है, ठीक है। तो बोलता है, यार फिर वो साथ साथ चलने लग जाते हैं। फिर वो बच्ची उसके साथ चलती है, तो थोड़ी देर साथ चलने के बाद वो जो भेड़िया होता है ना, वो सोचता है, मैं अगर इस बच्ची को इधर खा लूँगा तो उसकी दादू को कैसे खाऊंगा। बोलता है, इधर मैं इसको खाऊंगा तो कोई देख लेगा, मुझे मार देगा। तो वो बोलता है बेटा आप एक काम करो, आप तो बच्चों की तरह स्कूल जा रही हो, जैसे आप स्कूल नहीं जाते सीधा घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो देखो इतना प्यारा जंगल है, इसमें देखो कितने प्यारे प्यारे परिंदे हैं, छोटे छोटे खरगोश घूम रहे हैं, तितलियाँ इधर हैं, तो आप एक काम करो इनको घूमते फिरते जाओ ना। और वो कहती है, ठीक है, ये तो बात सही कह रहा है। भेड़िया उसके वहाँ से उसकी दादों के घर चला जाता है,
और वो जो होती है ना लिटिल रेड राइडिंग हुड, वो सोचती है कि देखो इतने प्यारे प्यारे फूल हैं, मैं अपनी दादो के लिए फूल लेके जाऊंगी ना, मेरी दादो बीमार है तो मैं अपनी दादो के फूल गिफ्ट करूंगी तो मेरी दादो खुश होगी। तो फिर वो वहाँ से फूल चुनने लग जाती है, एक दो फूल चुनती है, तो उसको टाइम ही नहीं पता चलता। और इतनी देर में ना भेड़िया पता क्या करता है, भेड़िया बड़ा तेज़ होता है, भेड़िया चला जाता है दादो के घर पे और दादो के घर जाके दरवाज़ा नॉक करता है। कैसे करता है, ठीक है, दादो कहती है कौन है बाहर, कौन है वो। भेड़िया बड़ा तेज़ होता है, उसने लिटिल रेड राइडिंग की ना आवाज़ वैसे ही आवाज़ निकालता है, बोलता है दादो दादो मैं लिटिल रेड राइडिंग हुड हूँ, मामा ने ना आपके लिए खाना और दूध भेजा है, मैं आपको खाना खिलाने आई हूँ। बोलती है बेटा मैं तो बहुत बीमार हूँ, मेरे से तो उठा भी नहीं जाता, तुम एक काम करो दरवाज़ा खुला हुआ है तुम अंदर आ जाओ, और अंदर आ जाओ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो जो होता है ना भेड़िया, वो देखता है दरवाज़ा तो वाकई खुला हुआ होता है, तो भेड़िया अंदर आ जाता है और अंदर आके ना दादो उसको देखती है, ये भेड़िया है, वो दादो पे यूं जंप मारता है ऐसे और दादो खा जाता है, दादो दादो को निकल जाता है। तो वो भेड़िया बोलता है अब क्या करूँ मैं, अब बोलता है अब तो मैं लिटिल रेड राइडिंग हुड का इंतज़ार करूँगा, दादो को तो मैंने खा लिया बड़ा मज़ा आया है, अब मैं लिटिल रेड राइडिंग हुड को भी खाऊंगा, फिर उसके बाद वो दूध पी जाऊंगा जो लिटिल रेड राइडिंग हुड के पास है। इतने में लिटिल रेड राइडिंग हुड आ जाती है, वो फूल वहाँ से चुन रही होती है, तो वो भेड़िया बिस्तर पर ना दादो की बैठ जाता है, जो चादर लेके ऊपर ऊपर अपना मुँह मुँह छुपा लेता है। तो फिर बताओ क्या होता है, फिर उसके बाद होता यूँ है कि अब वो लिटिल रेड राइडिंग हुड आती है और आके देखती है, जैसी वो घर के पास आती है दरवाज़ा खुला हुआ होता है, अंदर जाती है यूँ देखती है ये क्या हुआ, ये तो घर में कोई आया है, घर में सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। फिर वो कहती है दादो दादो मैं आपकी पोती लिटिल रेड राइडिंग हुड हूँ, आप किधर हो, आप नज़र नहीं आ रही हो। तो परेशान होती दादी तो है नहीं, फिर वो दादी के रूम में जाती है ना, दादी के बेडरूम में जाती है, आगे से पर्दा हटाती है तो पता क्या होता है, दादो यूं लेटी हुई है, ये देखो। वो कहती है दादो दादो आपकी आप, वो कहती है दादो आज चेंज चेंज लग रही है। अब दादो को बोलती है दादो आपके, उसने भेड़िए ने पता क्या किया था, दादो के कपड़े पहन के ना अपने ऊपर चादर ओढ़ के बैठ जाता है, अब उसके ऊपर मुंह सारा छुपा, हाँ दुम मुम सब, जैसे देखो हमने ये चादर ओढ़ ली है ना इस तरह, वो भी भेड़िया चादर ओढ़ लेता है, अब उसकी दुम वुम सब छुप जाती है, सिर्फ मुंह नजर आ रहा है उसका, और मुंह पे भी ना उसने कपड़ा डाला है। अब होता ये है वो भेड़िया उसकी जो लिटिल रेड राइडिंग हुड होती है बोलती है दादो दादो ये आपकी जो कान है ना, ये जो इतने बड़े बड़े कान है, ये आपके कान इतने बड़े बड़े क्यों हैं। तो दादो कहती है बेटा तुम्हारी प्यारी प्यारी आवाज सुनने के लिए ना, वो कहती है अच्छा दादो आप मेरी आवाज सुनने के लिए इतने बड़े बड़े आपके कान है। बोलती है हाँ, फिर बोलती है दादो दादो आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो गई। बोलती है बेटा आपकी प्यारी प्यारी शक्ल देखने के लिए कि मैं अपनी लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसकी बोलती है अच्छा दादो 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 ये आपके हाथ इतने बड़े बड़े कैसे हो गए काले काले। बोलती है बेटा इनसे मैं आपको अपने गले लगाऊंगी, आपको प्यार करूंगी। बोलती है दादो दादो आप टीथ ब्रश नहीं करती, देखो इतने बड़े बड़े दांत हैं आपके, इतने पीले पीले दांत, प्लाक जमी हुई आपके, आप टीथ ब्रश किया करो दादो, पेप्सोडेंट से टीथ ब्रश करने से आपको पता है 800 से 1000 बैक्टीरिया खत्म होते हैं, मर जाते हैं। देखो मैं भी सुबह पेप्सोडेंट से टीथ ब्रश करके आई थी, ये देखो मेरे दांत कितने प्यारे हैं, टीथ ब्रश से दिखाती है उसको। बोलती है ठीक है बेटा मैं पेप्सोडेंट से तो टीथ ब्रश बाद में करूंगी, पहले तो मैं तुम्हें खाऊंगी। उसको खा जाती है ना, उसको खा के खा जाती है। अब फिर उसके बाद बता क्या करती है वो, अब वो फिर वो भेड़िया होता है, भेड़िया यूं लेटता है बिस्तर पे, वो तो दादी को भी खा जाता है, उसको भी खा जाता है, अब वो इतना थक जाता है ना, यूं थक के यूं फिर खराटे ले रहे थे, अब पता है क्या होता है, वहां से शिकारी जा रहा होता है दादी के घर के बाहर से ना जंगल से, बोलता है यार यहाँ पे तो एक दादी अम्मा रहती थी, वो इतनी जोर जोर से खराटे क्यों ले रही हैं, मुझे ना इनके घर में जाके देखना चाहिए कि ये खराटे क्यों ले रही है ना। तो वो उनके घर में आता है, उनके घर में आता है, वो देखता है इधर भी सामान बिखरा हुआ है, इधर भी सामान बिखरा हुआ है, बोलता है यार वो अपनी गन यूं कर लेता है,
बोलता है कोई आया यहाँ पे, वो देखता है एकदम दादू के कमरे में जाता है तो वहाँ भेड़िया सो रहा होता है, वैसे सो फिर उखराटे ले रहा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है वो बताऊँ क्या करता है, बोलता है उसको गोली मार दूंगा। फिर वो देखता है इधर दादू दादी अम्मा तो है ही नहीं। फिर पता है वो क्या करता है, बोलता है यार अगर मैंने इसको गोली मार दी क्या पता इसने दादी अम्मा को खा लिया वो मर जाए। फिर वो अपनी ना बैग से ना एक वो निकालता है खंजर चाकू, फिर वो उसको यूं पकड़ता है, ये उसके ना पेट में से चीरता है, चीर के जैसे ही उसके पेट को करता है ना चीरता यूं यूं करके उसके अंदर से ना लिटिल रेड राइडिंग हुड निकलती है, बाहर निकलो। बोलती है मैं तो इतने अंधेरे में फंस गई थी, बाहर तो अंदर इतना पेट में इतना अंधेरा था, मैं तो जिंदा बच गई। इतनी देर में उसकी दादी भी निकल आती है अंदर से, बोलती है बेटा मेरी तो हड्डियां ही दुख गई थी। तो अब वो यूं करती है, अब वो यूं करती है, वो कहती है दादो दादो आपको कैसे इस भेड़िए ने खा लिया। बोलती है कमबख्त मारा तेरी आवाज निकाल के बोलता है मैं लिटिल रेड राइडिंग हुड हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। मैंने उस कमबख्त मारे को कहा तू दरवाजा खोल के अंदर आ जा, वो अंदर आया उसने मुझे घुप करके खा लिया ना, तो फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला मैं अंधेरे में चली गई। तो फिर हुआ ये कि बेटा अब ये कि देखो, फिर वो बोलती है देखो ये तो शिकारी बेटा आ गया ना, इसने हमारी हेल्प की है, उसका शिकारी का शुक्रिया अदा करते हैं। बोलते हैं थैंक यू बेटा आपने हमारी जिंदगी बचाई, अल्लाह आपको खुश रखे। वो कहता है ठीक है, हाँ भेड़िया मर जाता है। फिर उसके बाद पता क्या होता है, वो भेड़िया जो शिकारी होता है ना वो भेड़िया की खाली उठाता है और उठा के अपने कंधे पर रखता है और बोलता है यूं करके ले जाता है। फिर उसको बोलता है दादी को बोलता है दादी दादी अब आप अपने घर का दरवाजा बंद रखा करो, ठीक है जंगल में बहुत भेड़िए होते हैं। फिर वो बाहर चला जाता है, उसका थैंक यू करते हैं वो लोग, जो बच्ची होती है फिर दादू को खाना खिलाती है, बोलती है दादू आप खाना खाओ। फिर वो दादू बोलती है दादू आपको एक बात बोलूँ आप बुरा तो नहीं मानोगी, बोलती है हाँ बोलो बेटा बोलो। बोलती है दादू आप बीमार रहती हो ना, मैं आपसे छोटी हूँ ना, मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूंगी कि आप टीथ ब्रश किया करो ना, देखो आप बीमार रहती हैं आपके दांत भी कितने पीले पीले हैं, बोलती है आप इससे टीथ ब्रश किया करो पेप्सोडेंट से, आपके सारे बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे, जब आपके बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे तो आप मेरी तरह हेल्दी हो जाओगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो दादा को खाना खिलाती है, दादा उसकी बात बोलती है ठीक है बेटा अब मैं आपसे वादा करती हूँ मैं पेप्सोडेंट से टीथ ब्रश किया करूँगी, ठीक है। तो वो लोग दादी को खाना खिलाती है, फिर दादी कहती है मुझसे वादा करो, करो वादा। बोलती है बेटा आप मुझसे वादा करो अब सीधा अपने घर जाओगी। बोलती है हाँ दादू मैंने ना अपनी मामा से वादा किया था, लेकिन मैं ना इस भेड़िए ने मुझे भी ना रास्ते में वो वादा मैं भूल गई, तो मैं इधर उधर फूल चुनने लग गई थी ना, तो अब मैं वादा करती हूँ अब आइंदा मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, जो मैं अपने मामा पापा से वादा करूंगी ना वो मैं पूरा करूंगी, और कभी भी आपको भी तंग नहीं करूंगी मामा पापा को भी नहीं करूंगी, अब मैं सीधा अपने घर जाऊंगी। कहानी खत्म, पैसा हजम। अब आपने सोना है, और आपको इस कहानी से क्या मैसेज मिला, इस कहानी से यह मैसेज मिला कि जो कि रास्ते में कोई भी आपको राह चलते मिल जाए या स्कूल में मिल जाए, आपको कोई भी चीज़ दे, टॉफ़ी दे या आपसे कोई बातचीत करे, किसी से बात नहीं करते, किसी अनजाने बंदे से बात नहीं करते, ठीक है। वरना आपको पता ना, देखो इस कहानी में आपको देख पता ना उस बच्ची ने उस भेड़िए के साथ बातचीत की तो उसके साथ कितना बड़ा हादसा हो गया, ठीक है। अभी आपको एक मैसेज मिला है कि अपने मामा पापा की बात मानते हैं और किसी तीसरे चौथे की बात नहीं मानते, ठीक है। और एक काम, जब स्कूल जाओ ना अपने दोस्तों को भी बताना मैं पेप्सोडेंट से टीथ ब्रश करता हूँ, ये देखो मेरे टीथ मैं पेप्सोडेंट से डांत करता हूँ, मेरे दांतों पे प्लाक भी नहीं है, मैं बीमार भी नहीं होता, ये ताकत देखो मेरी, ठीक है। 800 से 1000 बैक्टीरिया को मैंने खत्म कर दिया, अपने सब दोस्तों को बताना, ठीक है, ठीक है। चलो सो जाओ, गॉड ब्लेस यू, शब्बा खैर, चल सो जा।